अरे अपने पास घर में चीज पड़ी है क्या? है? अच्छा 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 अरे आप लोग कब आ गए? दोस्तों देखिए 4 बज गई है और ऑफिस के लिए मैं खाली 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकता हूँ और घर में चीज भी है तो मैं चीज चिली गार्लिक टोस्ट बनाने जा रहा हूँ। आइए आप लोगों को भी सिखा देता हूँ, 10 मिनट ही लगते हैं बनाने में और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट व्हाइट ब्रेड का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद मैंने लिए कुछ रेड चिलीज, चिली फ्लेक्स बनाने के लिए, एक बड़ा बटर का स्लाइस, एक चीज़ का स्लाइस, थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ा ओरिगैनो और 2 ग्रीन चिलीज और कुछ लहसुन की फूलियाँ। तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं हमारी चिली फ्लेक्स। दोस्तों चिली फ्लेक्स बनाने के लिए एक जार के अंदर मैंने सारी रेड चिलीज डाल ली हैं और इसको अभी हम मिक्सी में पीस लेंगे। मैं घर पे ही बनाता हूँ दोस्तों, चिली फ्लेक्स बहुत ही बेहतरीन बनती है, बाजार के कंपैरिजन में अच्छा टेस्ट आता है और बिना मिलावट की होती है। आइए अब हम बनाएंगे गार्लिक बटर। अगर आप लोगों के पास में मार्केट से रेडीली अवेलेबल गार्लिक बटर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसका जो फ्लेवर है और जो आप घर में बनाएंगे उन दोनों बटर के फ्लेवर में बहुत फ़र्क है दोस्तों। जो घर पे आपका बटर बनेगा, सबसे पहली बात वो बिना मिलावट के होगा और उसमें जो फ्लेवर आएगा गार्लिक का, वो बाज़ार में अवेलेबल गार्लिक बटर से बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि उसके अंदर आप ज़्यादा देर तक उसको इंड्यूस कर सकते हैं गार्लिक के फ्लेवर को गार्लिक बटर के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैंने बटर गरम किया है। बटर गरम होने के बाद मैंने उसमें डाल दिया खूब सारी गार्लिक और इसको उसके बाद काफ़ी देर तक गैस पर छोड़ दिया है। करीब दोस्तों 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे ये पूरा गार्लिक बटर बनने में। और ये देखिए हमारा गार्लिक बटर बनके रेडी है, बहुत ही अच्छी अरोमा है इसकी और साथ में टेक्सचर भी बहुत बेहतरीन है। अब दोस्तों हम बनाएंगे हमारा गार्लिक टोस्ट। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो हमने बटर बनाया था वो बटर अच्छे से लगा लेंगे। दोस्तों खूब सारा बटर लगाइएगा ताकि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए गार्लिक का उसके साथ में, और प्लस ये क्रिस्पी बनेगा जितना बटर लगाएंगे उससे। अब इसके बाद इसके ऊपर हम चीज़ ग्रेट कर लेंगे। तो चीज़ आप अपने हिसाब से ग्रेट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप और ज़्यादा ग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा चीज़ भी ग्रेट करेंगे तो भी वो जब इसको हम गर्म करेंगे तो पिघल के बहुत कम हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी ग्रीन चिलीज़। तो अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी ग्रीन चिलीज़ कम भी डाल सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर अभी हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। देखिए कितनी बढ़िया चिली फ्लेक्स बनी है ये हमारी, क्योंकि हमने इसको घर में बनाई है। जो बाज़ार से हम चिली फ्लेक्स लेके आते हैं दोस्तों उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही बेहतरीन है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ा सा नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद है उसके हिसाब से। ये हमारा गार्लिक टोस्ट बनके रेडी है दोस्तों, आइए इसको अब सेक लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है और तवे पे जो हमने गार्लिक बटर बनाया था वो गार्लिक बटर अच्छे से लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे हमारा ब्रेड का पीस जिसके ऊपर हमने सारा स्टफिंग डाला था, और इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। करीब 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको पकने में। इसको कवर करके पकाएं। कवर करने से जो हमारी चीज़ है वो सारी मेल्ट हो जाएगी और जो हमारा फ्लेवर्स हैं वो सब ब्रेड के अंदर चले जाएंगे। ये देखिए अभी हमारा ये पक के रेडी है और कितनी बढ़िया अरोमा आ रही है इसके अंदर से, और इतना बढ़िया टेक्स्चर आया हमारे गार्लिक टोस्ट का। अब दोस्तों इसके ऊपर हम डालेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। मैं जानता हूँ दोस्तों ये हर किसी के घर में अवेलेबल नहीं होगा, और यह है ओरिगैनो। बट जिनके पास अवेलेबल है वो इसको ज़रूर डालें, और जिनके पास नहीं है वो निराश ना हो। इसके बिना भी आप लोगों को ये गार्लिक टोस्ट उतना ही अच्छा लगेगा। आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल सकते हैं, जलजीरा डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल दें। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करेंगे, और ये लीजिए हमारा गार्लिक टोस्ट रेडी है। अब इसको हम 2 पीसेस में कट कर लेंगे। दोस्तों मुझे तो अभी से देख के ही भूख लग रही है, चलिए अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया बना है। अरे आप लोग यहीं पे, अरे जाइए जाइए बनाइए, मैं इसको खाता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।